आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। हर साल 5 जून को जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं इस मौके पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ये प्रयास तब से कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका न के बराबर थी। विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। वही आपको बताते चले, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की मेजबानी स्वीडन करेगा। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी है। इस मुहिम का नारा है प्रकृति के साथ सद्भावना में रहना। विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना पर्यावरण के बारे में सोचे विकास की बात सोची भी नहीं जा सकती है। अगर पर्यावरण को नजरअंदाज कर भी देंगे तो इतना तो तय है कि आखिर में विकास भी प्रभावित होगा। असल में आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि पर्यावरण और विकास के बीच कैसे संतुलन साधा जाए। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे विकास की गति में कोई रुकावट पैदा ना हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो? क्या किसी भी विकास की योजना की शुरुआत से पहले ही पर्यावरण के हर पहलू को न सिर्फ समझने की जरूरत है बल्कि उसके सख्ती से पालन करवाने की भी जरूरत है? कैसे विकास की राह पर पर्यावरण को सहेजा जाए? विकास और पर्यावरण के बीच हमारी और आपकी जागरूकता कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है? आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो हम सभी से जुड़ा हुआ है, वातावरण से जुड़ा हुआ है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो हम सभी से जुड़ा हुआ है, वातावरण से जुड़ा है। और हमारे जो गेस्ट है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। शालिनी माथुर, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व महानिदेशक है ये मौसम विभाग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। पहले आनंद शर्मा जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, पर्यावरण के बीच संतुलन में और जागरूकता में हम सबकी कितनी बड़ी भूमिका है? देखिए, जहां तक बात है विकास की, हमें विकास चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए बिल्कुल। मगर आपने कहा किस तरह के डेवलपमेंट हो, कि जो डेवलपमेंट हो उससे विनाश ना हो, विकास हो पर विनाश। अगर जब भी आप विकास करेंगे तो पर्यावरण को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचे, तो हमारा विकास ऐसा हो डेवलपमेंट विद लीस्ट डिस्ट्रक्शन। अगर हो क्या रहा है इससे विपरीत, जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो तो अनप्लान डेवलपमेंट हो रही है और उससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है वो हमारे सामने है। और चाहे वो बात करें हम सॉइल यानी मिट्टी की, चाहे वो बात करें हम पानी की, चाहे हम बात करें हवा की, एटमॉस्फेयर की, सारा पर्यावरण जो है हमारा प्रदूषित हो चुका है। और उसका मुख्य कारण जिसे कहा है ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि इंसान ही चाहता है कि मैं इस पृथ्वी पर अकेला रहूं, बाकी और कोई ना रहे, और वही रो रहा है। हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बाकी अन्य प्राणियां चाहे वो कुछ भी हो उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, क्योंकि हमने पूरे पर्यावरण को अपने डेवलपमेंट और अपने ये कह लें कि ग्रीड के चलते पूरा खराब कर दिया है। और अब तो इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है हमारे सामने, और अभी भी हम लोग नहीं जागे या इकट्ठे होकर हमने एक्शन ना लिया तो बहुत मुश्किल होगा हमें इसको रिस्टोर करना। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी जुड़े हैं। विजय दुबे जी, हम सबकी कितनी बड़ी भूमिका बनती है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी जागरूकता कितनी जरूरी है पर्यावरण के प्रति? विजय दुबे जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण कितना जरूरी है और किस तरह की मुहिम, किस तरह का कदम हम सभी को उठाना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके? जी देखिए, ऐसा है कि पर्यावरण
हमारी एक बहुत मूलभूत आवश्यकता है और उसके बगैर हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आदमी को जो है पानी, जल, हवा और इन सब चीजों की आवश्यकता है तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना होगा। अब अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा संकट, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारी समस्याएं लेकर आएगा। खासतौर पे जैसे अगर एक ही किसी पॉइंट की मैं बात करूं तो मान लीजिए कि हमारे पास जो जल है उसकी एक सीमित, अच्छे जल की उपलब्धता बहुत सीमित है और लगातार हम जल का जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं और जिस प्रकार से अच्छे पानी की उपलब्धता हमारे लिए धीरे धीरे दूर होते जा रही है, कम होते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम मिसयूज कर रहे हैं पानी का, तो कहीं ना कहीं ये जो मिसयूज है ये हमारे आने वाले समय की जो हमारी नई पीढ़ियां हैं उनके लिए ये स्रोत कम होगा। और अगर हमने इसको संरक्षित नहीं किया, केवल पानी की ही बात नहीं है, अगर आपको पर्यावरण बचाना है, देखिए देखिए अभी क्या हो रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, अर्थ टेम्परेचर बढ़ने से हमारी फसलें जो हैं उसकी साइकिल पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी है। अब जो है वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं और वर्षा का जो हमारा जो जितना जल होता था समय के साथ जो साइकिल थी वो एक तो डिस्टर्ब हुई है और कम हो रहा है, और हो भी रहा है तो किसी एक जगह पे ज्यादा जल, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है किसी एक इलाके में, होता क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जो लगातार एक साइकिल था वो डिस्टर्ब हुआ है इस बीच में लगातार। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने जो है बहुत बड़े इलाके में वनों का जो है वो क्षरण किया है, उनको काटा है, उनको मिसयूज किया है, उनको जमीन से हटाया है। तो जब तक कि हम इन वनों का संरक्षण नहीं करते, हम अधिक पेड़ नहीं लगाते और हमारे पास ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होगी, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज अगर आपको बचाने हैं तो आपको नेचर को भी उसको रिसोर्स करना होगा, उसको रिस्टोर करना होगा और उसे आगे बढ़ाना होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारे पास में वन क्षेत्र अधिक हो। वन क्षेत्र पहले से लगातार कम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है और हम शहरों को बढ़ाते चले जा रहे हैं जी। अब इवन हमने अपनी एग्रीकल्चर लैंड भी शहरों के हवाले कर दी है, उसमें अब लगातार शहरों का विस्तार हो रहा है, नई नई डेवलपमेंट, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं और ये जंगल जो है जो असली जंगल था उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब आप विस्तार करना चाहते हैं, शहरों का लगातार विस्तार करेंगे तो किस प्रकार से हमें आने वाले समय के लिए अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों का संरक्षण करना होगा, जल का संरक्षण करना होगा, प्लास्टिक से, जैसे मान लीजिए अब ये प्लास्टिक ऐसा इजाद है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन हम प्लास्टिक से पीछे नहीं छुड़ा पा रहे हैं, वो लगातार हमारे चीजों पे कब्जा किया जा रहा है और हम उसको रोकने के लिए अपने कदम उठाते हैं लेकिन इतने कमजोर हमारे कदम होते हैं कि हम उससे और उसको जो है किसी न किसी तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, न कि उसको पीछे डाल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं जो हमारे लिए हजार साबित होंगी, आने वाले समय के लिए नुकसानदेह होंगी, इन सब के ऊपर ध्यान देना होगा। और ये जो बैलेंस है, जो हरे हरे जंगल चाहिए हमको, पौधे चाहिए, तो इनका भी एक प्रचुर मात्रा में हमें इन्हें लगाना होगा, अधिक से अधिक एरिया को कवर करना होगा, उनको ग्रीन रखना होगा जी। तो ग्रीनरी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत बहुत आवश्यक चीज है और ग्रीन रख करके ही हम एनवायरनमेंट को भी ग्रीन अर्थ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तभी जाकर के हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी ये सोचेंगी कि हमारे से पहले जो लोग थे उन्होंने कि इस जमीन को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। शालिनी जी हमारे साथ जुड़ी है। शालिनी जी, विकास और पर्यावरण में संतुलन कैसे किया जाए? एक तरफ विकास भी चाहिए, लोग तेजी से विकास की ओर भाग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन पर्यावरण भी बहुत आवश्यक है। बिना पर्यावरण के तो एक दिन के बाद, कुछ वक्त के बाद काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसे इसको बैलेंस किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण भी उतना ही ज्यादा जरूरी है? देखिए, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, खास करके दिल्ली है, इलाका माना जाता है, बहुत अधिक विकास हुआ है जी। लेकिन सबसे ज्यादा जहरीली हवा यही की नापी जाती है, हर बात दी जाती है कि ये सांस लेने लायक नहीं है।
मैं देखती हूँ कि यहाँ हरे भरेपन की कमी नहीं है, हजारों की संख्या में पेड़ हैं, जितने सड़कें चौड़ी हैं उतने ही बड़े बड़े पुराने पेड़ भी हैं। उसके बावजूद विकास हम लोगों ने जिस तरह से किया है उसमें एक ये चीज भी शामिल है कि व्यक्ति जैसे जैसे समृद्ध होता जा रहा है, एक एक घर में समृद्धिशाली लोगों के घर में अगर दो लोग हैं तो चार कारें हैं और उनको कहीं जाना है तो हर व्यक्ति एक एक कार में अलग अलग जाता है। जहाँ तक हम लोग जन जागरूकता की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल लगवाना और बहुत बड़े बड़े जंगलों को काटना, जहाँ देखिए इसके दो हिस्से हैं, बड़े बड़े जंगल हैं जिनको काटा जा रहा है, वो एक आम आदमी नहीं काट रहा है, वो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उन लकड़ियों से पानी के जहाज बनाए जाते हैं, 5-star होटल के फ्लोर्स बनाए जाते हैं, वो एक बहुत बड़े इसका माफिया का एक हिस्सा है, एक बहुत बड़े समृद्ध वर्ग का उसमें योगदान है। लेकिन आम आदमी किस तरह से कारों से अलग अलग कारों का इस्तेमाल ना करे, एक कार को पूल कर ले अपनी, तो जितना हम पेड़ लगा रहे हैं उससे दुगना हम प्रदूषण अपनी कारों के एमिशन से कर रहे हैं। इसलिए जो जगह बहुत साफ सुथरी बड़ी फैली हुई दिखाई दे रही है वहां सबसे ज्यादा जहर है हवा में, और ये छोटे बच्चों के लिए कितना हानिकारक है, बड़ों के लिए तो है ही। पर्यावरण अगर हमारे हमारे विरुद्ध हो जाता है तो वो नदियों में बाढ़ ले आता है, लैंडस्लाइड हो जाती है और शहरों की हवा प्रदूषित हो जाती है, इतनी की जहरीली हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि आम समाज को ये जानना चाहिए कि जो जो कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हो पर्यावरण को बचाने के लिए वो हम अपने स्तर पे करें, बगीचा बना लें, थोड़े पेड़ों के जो सड़क के पेड़ हैं उनका संरक्षण करें, उनको काटे नहीं, लेकिन इतनी अधिक कारों का उपयोग, जहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा सकते हैं हम उतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में बार बार बातचीत होनी चाहिए और मीडिया द्वारा प्रचार भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शालिनी जी, हम हर सब प्रयास करते हैं कि हम जितनी जागरूकता फैला पाए लोगों तक फैलाते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम ये उम्मीद आम जनता से भी करते हैं, क्योंकि हर किसी का जो प्रयास है ना वही इसमें कार्यरत होगा, हर किसी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। आनंद शर्मा जी, वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार की चर्चाएं होती है, तमाम तरह की चर्चाएं होती है, ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन पर्यावरण संकट पर बात क्यों नहीं होती और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि विश्व स्तर पर इसकी चर्चा किया जाए, इस पर बात किया जाए, इसके लिए कोई अलग से जागरूकता अभियान चलाया जाए। सिर्फ एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से तो हमारा पर्यावरण नहीं सुरक्षित हो जाएगा ना। लोग 5 जून को जाग जाते हैं और संगोष्ठियां होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। जी इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर 50 सालों से प्रयास जारी है। 1972 में पहली बार स्टॉकहोम में एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पहले बार वर्कशॉप की गई थी और उसका थीम भी था केवल एक पृथ्वी, और आज 50 साल बाद फिर दोबारा से स्वीडन, यानी कि स्वीडन में इस बार फिर जो है उनको इस बार दिया गया है कि इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और इस बार का टॉपिक भी केवल एक पृथ्वी है। तो ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास नहीं किए जा रहे, बहुत सी अनेक एजेंसीज हैं और खासकर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनिट जो पिछले 50 साल से लगा हुआ है एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, काफी अच्छा काम भी कर रही हैं, मगर हो कह रहा है कि हम लोग सब संगठित नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है और लोगों का मानना है था कि भाई बूंद बूंद से तालाब भरता है, मगर वो वाली जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो फेल हो चुकी है। हम लोगों को अब चाहिए कलेक्टिव एक्शन, यानी कि सब लोग इकट्ठा हों और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन, ऐसा नहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाके दिखाना है और ग्लोबल स्केल पर। तो इसका प्रयास बहुत, दोबारा से हमें मूवमेंट शुरू करनी होगी। 70s, 80s में काफी सारी पर्यावरण की मूवमेंट शुरू हुई थी, जैसे कि चिपको आंदोलन ले लीजिए या केमिकल्स के अगेंस्ट रेकेल कार्लसन की बुक आई थी बड़ी फेमस। तो उस तरह की जो जागरूकता फैली थी उससे एनवायरमेंट एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आया था, मगर हाल ही के साल में कुछ इस तरह से हो गया कि लोग जो मेन मुद्दे हैं
उनसे करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। यानी कि एनवायरमेंट का जो इशू है, इंडिविजुअल जानता जरूर है जी, पर मानता नहीं और सही ढंग से करेक्ट नहीं कर पा रहा है जी। उसका रीजन ये है, मैं तो ये कहता हूँ, जो इंडिविजुअल है दे आर सफरिंग फ्रॉम नेचर डेफिसिट डिसऑर्डर। वो प्रकृति से अपने आप को उन्होंने काट लिया है। एसी घर में, एसी कार, एसी ऑफिस, एसी स्कूल कॉलेज मॉल, सारा एसी एनवायरनमेंट है, तो आप तो प्रकृति में रहते ही नहीं जी। इवन हम तो आज जब जिम करने भी जाते हैं आनंद, जब हम जिम भी करने जाते हैं तो हम एसी में जिम करते हैं, हम अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठ के एक्सरसाइज करने एसी में जाते हैं, पार्क में जाने के बजाय आपकी कार में बैठ के जाते हैं और वहां जाके जिम में साइकिलिंग करते हैं जी। तो बड़ी अजीब सी कहानी है। तो हमारी समस्या यही है, जब तक हम अपने जीवन को सिंपल नहीं बनाएंगे और ग्रीड से लेके नीड की तरफ नहीं जाएंगे जी। और दूसरी बात जो है, हम जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो पर्यावरण की है। बात सही बात है कि हमारा पर्यावरण पोल्यूटेड है, प्रदूषित है, मगर उससे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो हमारे दिमाग में है आज की डेट में। तो जब तक हमारा मेंटल सेटअप ठीक नहीं होगा और जब तक हम अपना बिहेवियर और लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, इस प्रॉब्लम से हम बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम लोगों के लिए, और जैसा कि हमारा इंडियन कल्चर है, शुरू से ऐसा रहा है, प्रकृति का दोहन नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही लीजिए, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की बात होती है। हम लोगों के हमारे कल्चर में सिखाया गया पेड़ों पौधों की, हर सांप की, हर जीव जंतु की पूजा करना। जिस समाज में, जिस सोसाइटी में इस तरह का रेस्पेक्ट हो नेचर के लिए, वो वाली सोसाइटी में कैसे बदलाव आया, लोगों ने कैसे डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया एनवायरमेंट को, वो एक सोचने की बात है कि हम अपने कल्चर से कटते चले गए। हम आज ये समस्या आ गई कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ देखना पड़ रहा है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। ये तो हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट था जी, जो समाज रेस्पेक्ट करता है, मतलब कि सांप की, पत्ती की, पेड़ की, हर किसी की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, अलग अलग पौधों में अलग अलग देवी देवताओं को तरासा गया है, अलग अलग मायने हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आज जिस पीपल के पेड़ को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करता है हमें, जिस पीपल के पेड़ को गाँव में अभी भी हमारी दादी लोग, आज बहुत तेजी से उनको काटा जा रहा है शहरों में, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक तरफ वैश्विक महामारी की तरफ भी लेके जा रहा है। तमाम तरह की जो बीमारियां है, जो तमाम तरह की चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं इससे भी फैल रही है। विजय दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पर्यावरण संकट से निकलने के लिए हर वर्ष पर्यावरण दिवस पर संकल्प लिया जाता है, इस पर्यावरण दिवस पर सर क्या कुछ खास है? जी विजय दुबे जी, पर्यावरण संकट से निकलने के लिए हर पर्यावरण दिवस पर कोई ना कोई संकल्प लिया जाता है, इस पर्यावरण दिवस पर क्या कुछ खास है? देखिए, पर्यावरण दिवस के नाम पर केवल एक दिन जो है पर्यावरण की चर्चा कर ली जाए, इससे पर्यावरण में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आता है। लेकिन जो आप थीम बनाते हैं, जो आप लक्ष्य तय करते हैं, आपको उसको लॉन्ग टर्म गोल चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल से मतलब है कि आपको अधिक समय उन गोल्स के लिए काम करना होगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम करते हैं साहब कि हम प्लांटेशन करेंगे, तो हमें प्लांटेशन की वो एक फ्लो और रेगुलरिटी उसको बनाए रखना होगा। वो जो है, ये नहीं हो सकता है कि केवल पर्यावरण दिवस पर हमने कुछ लाख पौधे लगा दिए और उसके बाद उन पौधों का क्या हुआ, या आगे लगाने की क्या हमारी रणनीति होगी, या पर्यावरण को हम कैसे सुरक्षित करेंगे। ये सब चीजें जो है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का एक हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि हम ये बात करते हैं कि हम अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए नई नीति बनाएंगे, तो उसी प्रकार से ये भी होना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इन शहरों के विकास के साथ कैसे बैलेंस बनाएंगे, और उस बैलेंस में हमारे नीतिगत निर्णय क्या है। मतलब हमने जो पॉलिसी डिसीजन लिए, उसमें हमने अपने एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उस बैलेंस को चेक एंड बैलेंस होता है ना हर चीज का, तो वो कैसे हम मेंटेन करेंगे, इसके भी डिसीजन होने चाहिए। क्योंकि जब हम केवल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमें लगता है साहब की जो है सड़क बना दी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, बहुत ज्यादा हाउसिंग कर दी, या शहरों का विस्तार कर दिया, तो इससे हमारे, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, तो इससे हमने बहुत सारी चीजों को अचीव कर लिया। ये ऐसा नहीं है। अचीवमेंट के लिए आवश्यक ये है कि हम अपने
आने वाले समय के लिए, आने वाली मैं कहूँ कि जनरेशन को हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, क्या देंगे उनको, क्या हम उनको दे के जाएंगे, बल्कि ये कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि हमने उनको कैसा एनवायरमेंट दिया। अभी जो जैसे अभी चर्चा आप लगातार हो रही थी कि हमारा जो रिलीजन है वो बहुत सारे मैसेज देता है, ये तो फैक्ट है कि हमारे यहाँ पूजा पद्धति जो है वो हमने नेचर से अडॉप्ट की है, बहुत सारी चीजों को नेचर से रिसीव किया है और हमने उनको अपने जीवन शैली में पूरी तरह से मर्ज कर लिया। वो चाहे हमारी पूजा हो या हमारा भोजन हो या हमारी रहन सहन की व्यवस्थाएं, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है और हम गांव में आज 60-70% रहते हैं। तो हम गांव में जब रहते हैं तब आप वहां का, वहां जो एनवायरमेंट है, वहां जो पेड़ पौधे हैं, या आपके गांव में जो स्वच्छ हवा उपलब्ध है, क्या वो शहर में उपलब्ध होती है? नहीं उपलब्ध होती है। क्यों नहीं होती है? उसका कारण सीधी सी बात है कि आपके पास में जो नेचुरल रिसोर्सेज गांव में उपलब्ध है वो नेचुरल रिसोर्सेज आपने शहर में खत्म कर दिए। तो आपको ये समस्याएं आना बड़ी एक सामान्य प्रक्रिया है कि जिस जब आप चीजों को डिस्ट्रक्ट करेंगे तो वो रिवर्ट भी करके आपको वैसा ही रिटर्न देंगे। तो इसके लिए आपको, हमें निश्चित तौर पर, हम सब लोगों को एक अच्छी सोच के साथ में चीजों को अडॉप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा कि कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जाए, कैसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ जाए। क्योंकि फ्रेंडली हुए बगैर जो है हम इस चीज के साथ में देखिए 50 बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत हेल्थ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि हमने अपने नेचुरल हेल्थ रिसोर्सेज को खत्म किया है, उनको डैमेज किया है और वो अब हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आपके पास साफ हवा नहीं है सांस लेने के लिए, आपके पास स्वच्छ पानी नहीं है पीने के लिए, आपके पास में जो नेचुरल रिसोर्सेज की चीजें उपलब्ध थी आप उसकी जगह आज डिपेंडेंट मशीनरी पे हो गए हैं। आपको बॉटल का पानी पीना पड़ता है जो कि आप कहीं मार्केट से परचेज करते हैं और उसकी भी मार्केटिंग हो रही है। आप देखिए कि हमारा पानी का रिसोर्स भी जो है वो हमने बाजार व्यवस्था के हवाले कर दिया और हम डिपेंडेंट हो गए कि साहब मिनरल वाटर की बॉटल जो है हम जब खरीदेंगे तो हमको मिनरल वाटर उपलब्ध होगा, अन्यथा हमने सारे मिनरल अपने जो रिसोर्सेज थे पानी के उससे तो खत्म कर दिए हैं। तो ये सब समस्याएं हैं और ये हम बड़े आसानी से बड़े मतलब हर स्वीकार कर रहे हैं और ये कहते हैं कि साहब हम मिनरल वाटर पीते हैं। अरे साहब आपने अपने रिसोर्स का मिनरल खत्म कर दिया अगर आपने 1 लीटर का पानी का बॉटल या 10 लीटर वाटर मिनरल वाटर खरीद के पिया भी है तो क्या पिया आपने, तो पानी का जो मेन रिसोर्स था उससे मिनरल ही हटा दिया जी। तो ये सब मार्केटिंग हो रही है, ये सब चीजें अब नेचुरल रिसोर्स से व्यवस्था के मार्केट की व्यवस्था बाजार व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और इसके ऊपर हमें निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए, सरकारों को एक पॉलिसी लेके आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं एक सख्त कदम तो सरकार को जरूर उठाना चाहिए। शालिनी माथुर जी, जब भी कोई इवेंट होता है किसी भी शहर में, कोई बड़े नेता आ रहे होते, तमाम तरह के पेड़ जो है वो लगा दिए जाते हैं, नगर निगम की तरफ से लगा दिए जाते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे और वो इन्वेस्ट करने की बात भी कह रहे हैं। उसको लेकर लखनऊ को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था, बड़ा हरा भरा बना दिया गया था लखनऊ को, शहीद पथ को बड़ा हरा भरा बना दिया गया था, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने तमाम पेड़ थी, लेकिन जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी खत्म हुई वो पेड़ रोडों पे नहीं दिख रहे हैं, जो पेड़ है भी उसमें कोई पानी डालने वाला नहीं है, इतनी तेज धूप में तो पेड़ सूख ही जाएंगे। किस तरह से देखती हैं आप इसको और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ लखनऊ को कुछ दिनों के लिए या फिर किसी भी शहर को सिर्फ तब तक के लिए खूबसूरत बनाना है जब तक दिखाना है, या फिर अगर आपको लगता है खूबसूरत दिखाने के लिए अभी भी पेड़ों की जरूरत है तो वो पेड़ हटा क्यों दिए जाते हैं, और अगर लगे रहते हैं तो उनमें पानी कोई डालने वाला क्यों नहीं रहता है? देखिए हम लोग आज पर्यावरण की बात कर रहे हैं, पिछले कई साल से जितना काम हो रहा है उससे 100 गुना प्रचार हो रहा है, 100 गुना प्रचार हो रहा है। तो ये जो पेड़ वेड़ दिखावटी और ये तो अभी उसमें बत्तियां लग गई हैं खंभों के चारों तरफ, वो 12 महीने जलती रहेंगी, उसका किराया कौन देगा, बिजली का बिल कौन भरेगा, हमें आज तक पता नहीं है। ये कई साल से चल रहा है, हमने इंडस्ट्री आती हुई तो कभी लखनऊ में देखी नहीं, हम बॉर्न एंड ब्रॉटअप हैं लखनऊ में।
लेकिन अपने जो मूल मुद्दे पे मैं बात कर रही थी वहां मैं दो बातें हाईलाइट करना चाहूंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन को विकास की नींव माना गया है, ये सरकार भी और इससे पहले भी सरकारें चाहती हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लेकिन इंडस्ट्री अपने साथ बहुत सारा पॉल्यूशन लाती है, धुआं फेंकती है और एफ्लूविया माने जो गंदा पानी है वो उसका निस्तारण कहाँ होता है। जो गंदा पानी है वो जमुना जी में फेंका जा रहा है, गोमती में फेंका जा रहा है या गंगा जी में फेंका जा रहा है, उसके लिए क्या हुआ है? उन नदियों के नाम पे अरबों रुपए की योजनाएं बनी हैं। अब तो ये होता है ये चीज 6,000 करोड़ की है, 60,000 करोड़ की है, 60,00,000 करोड़ की, ये तो गिनती हम सुनते हैं लेकिन वो काम कहाँ है, उनका नाम क्या है और उनमें क्या क्या सफाई की जा रही है ये कभी होते हुए हमको दिखाई नहीं दिया। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को लगाते हैं कहीं भी शहरों में या गांव में या शहर और गांव के बीच, तो हम देखें कि उसका जो उसमें से धुआं निकलेगा और उसमें से जो प्रदूषित यूज किया हुआ पानी निकलेगा उसका निस्तारण कहाँ होगा। यहाँ पे दिल्ली में कूड़े का एक इतना ऊंचा ढेर है कि वो हिमालय की ऊंचाई पे फैल रहा है, उसमें कहीं आग लगी, उसका निस्तारण का क्या तरीका है, उसकी कंपोस्ट बनाने का कोई विचार आया है कि नहीं है? जी, मुझे ये चीज जान के बहुत आश्चर्य होता है जब शहर में रहते हुए लोग गांव का महिमा मंडन करने लगते हैं। मैं गांव में जाके काम करती हूँ, मैंने गांव को बहुत निकट से देखा है। गांव में पीने के पानी की समस्या शहरों में पीने के पानी की समस्या से 100 गुनी अधिक है। अधिकतर गांव में आज भी औरतें बहुत दूर से पानी भर के लाती हैं। स्वच्छ पीने का पानी वहाँ एक बहुत ही बड़ी नियामत है। जहाँ हैंडपंप लगा होता है, हैंडपंप से जो गंदा पानी होता है वो ऐसे ही गलियों में बहता रहता है। नालियों को पक्का बनाया जाए, नालियों के ऊपर कोई वो कवर लगाया जाए, वही नाली बहती रहती है, वही कचरा बहता रहता है। पीने के पानी को लाना पड़ता है दूर से, स्नान के पानी को लाना पड़ता है दूर से, नहाने के लिए लोग हैंडपंप पे नहाते। तो जो बेसिक समस्याएं हैं जिनकी वजह से पूरा पर्यावरण गंदा होता है, वही साबुन का पानी जा रहा है, वही नहाया हुआ पानी जा रहा है, वही भैंसे नहा रही हैं, उसी तालाब में से पानी लिया जा रहा है, तो ये समस्या गांव में बहुत अधिक है। ये हम लोगों का भ्रम है कि गांव में बहुत अच्छा पर्यावरण है, सिर्फ पेड़ लगने से पर्यावरण अच्छा नहीं हो जाता, पीने का पानी बहुत भयंकर समस्या है आज भी। तो सब जगह पीने का नल का पानी, शहरों में एक एक घर में 6-6 नल हैं और वहाँ 6-6 किलोमीटर तक कहीं नल नहीं है, टंकी नहीं है। आप यूपी के गांव में देखिए जो ऊंची ऊंची पानी की टंकियां होती हैं जहाँ से वाटर वर्क्स के थ्रू सबके घरों में नल जाता है, ऐसी आपको कहीं टंकी दिखाई नहीं देगी। ये एक बहुत बड़ा काम है जो होने के लिए बाकी है। कहीं एक बड़ा मुद्दा है कि हमारे गाँव को भी विकसित किया जाए। अभी भी कई ऐसे एरिया है हमारे, अगर बात मऊ के तरफ और बिहार का और बिहार के आगे जो उधर बंगाल से जुड़े हुए इलाके हैं उनमें उन इलाकों में एक बड़ी बीमारी निकल करके सामने आई है। हालांकि चुनाव के दौरान भी मैंने मुद्दा काफी उठाया था, वहां का पानी पीने के बाद वहां के लोगों के शरीर पे कुछ छाले पड़ रहे हैं, बाद में वो कैंसर का रूप ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर दिक्कत है। हर अगर वहां के लोगों से जब हमने बात करी, हम लोग वहां पे गए तो उनका यही कहना है कि तमाम तरह के सर्वे होते हैं, तमाम तरह के स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोग आते हैं, हर विभाग की तरफ से लोग आते हैं, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, महिलाओं के साथ भी ये बड़ी समस्या है, उनको दूर पानी लेने जाना पड़ता है। दावे और वादे तो सभी के रहते हैं। देखिए आज पर्यावरण दिवस है तो खैर हम आज राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहेंगे, राजनीति में तो होता ही रहता है, दावे और वादे किए जाते हैं। और हाल ही में आनंद स्वरूप जी, मैं आनंद शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। बुंदेलखंड में एक विशाल जंगल है, बक्सवा जंगल, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। उस जंगल में हीरा का खनन होता है और जिसके चलते उसके बदले लगभग 2,15,000 पेड़ों की कटाई चली आ रही है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक निजी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप को, एसलेंस माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज को, पेड़ों की कटाई की परमिशन दे दी है। कितना हार्मफुल है ये, इसकी अनुमति आखिर कैसे दी गई, किस तरह से देखते आप और कितना इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे मैंने पहले कहा है कि हमें विकास चाहिए। आपको यदि एक स्ट्रॉन्ग देश बनना है, मिलिट्री पावर बनना है, इकोनॉमिक पावर बनना है, तो डेवलपमेंट आपको चाहिए, विकास जरूरी है। मगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ, विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए, विकास ऐसा ना हो जो हमारा विनाश का कारण बन जाए। अभी फिलहाल जिस तरह से हमारे कई जगहों पे विकास चल रहा है, या आपने कहा कि
किस तरह से खनन की उनको परमिशन दी गई। जी, माइनिंग मैं आपको बताती हूँ, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है इनकी, आदित्य बिरला ग्रुप की, जिसको परमिशन दे दी गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई की। कैसे इस परमिशन को दिया गया, और दिया गया तो आंसरेबल कौन है? इसके बदले में आप और क्या कर रहे हैं हमारे पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए? बिकॉज बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए क्या होता है, प्रोसीजर्स बने हुए हैं, इम्पैक्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है कोई भी प्रोजेक्ट किसी को जब दिया जाता है। मगर हाँ, सवाल यही उठता है कि वो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, वो जो रिपोर्ट होती है, वही आपको बताती है कि यदि आप कुछ खनन करने जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, आसपास को पर्यावरण को मतलब नुकसान ना पहुँचे, और जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा तो उसकी भरपाई कैसे की जानी है, और यदि वहाँ किसी की रोजगार उससे समाप्त होता है तो उनको रोजगार उपलब्ध भी कराना, तो ये एक पूरी होलिस्टिक अप्रोच होती है। मगर हाँ, कई बार यदि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है प्रॉपरली नहीं बनाई गई है, या असेसमेंट ठीक से नहीं की गई है, या उसको मतलब कि उसको ध्यान नहीं दिया गया प्रॉपरली, तो वो एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। यदि प्रॉपरली एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो मॉनिटरिंग टीम है उसकी मॉनिटरिंग करती है ढंग से और इम्प्लीमेंट करती है, तो उस डैमेजेस जो होंगे उसको कम से कम किया जा सकता है। मेरा कहने का मतलब हमें डेवलपमेंट करना ही है जी, मगर डिस्ट्रक्शन को रोकना है, उससे जो नुकसान पहुंचता है उसको कम से कम करना है। उसके लिए हमें मतलब सरकार को भी एकदम जागरूक रहना है, और वहाँ की जो यदि जंगल में कोई ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको भी जागरूक करने की जरूरत है, लोकल लोग आसपास रहते हैं उनको भी उसका प्रभाव पड़ेगा, उन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और अच्छी तरह एक मॉनिटरिंग टीम बनानी होगी, और समय समय पे मॉनिटरिंग करके यदि कहीं कोई गलती दिखाई देती है तो कान खींचिए इस कंपनी के और सरकार के, उसमें भी लेकर आइए। और आज तो मीडिया इतना स्ट्रांग है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबके माध्यम से बात कहाँ तक पहुँच जाती है। उड़ीसा के जंगलों के अभी हाल ही में आप ट्राइबल्स ने कैसे कुछ प्रोजेक्ट्स को रोका है, सबके सामने है वो, तो सब कुछ किया जा सकता है, ऐसा नहीं। जी बिल्कुल विजय दुबे जी, जिस तरह से लगातार एक समस्या बनती जा रही है, लोग तमाम तरह की मुहिम तो चला रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह से लगातार पेड़ों की कटाई भी होती जा रही है डेवलपमेंट के नाम पे, किसकी जिम्मेदारी बनती है ये कि प्रॉपर असेसमेंट किया जाए और उसके इक्वली ही हम पेड़ लगाएं ताकि हम पर्यावरण को बैलेंस कर पाए, प्रकृति को हम बैलेंस कर पाए, क्योंकि हमने एक वैश्विक महामारी कोरोना झेला है। कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी थी जिसमें तमाम तरह की सीख तो हमने ले ली है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बेहद ही घातक हो सकता है। विजय दुबे जी, जिस तरह से हमने वैश्विक महामारी कोरोना झेला है जी, उसके बाद ठीक है ऐसा है कि देखिए अभी जो चीजें सामने आ रही हैं लगातार, और जो विश्व स्तर पे जो बातें उभरी हैं कि हम कई कारणों से, जैसे कार्बन के उत्सर्जन की बात है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को काफी इफेक्ट करता है, इसके ऊपर में कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, कई प्रकार के ट्रीटीज देशों के बीच हुई हैं कि हम किस प्रकार से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें और किस प्रकार से इन चीजों को वो रिस्टोर कर सकें या उनका बैलेंस बना सकें, क्योंकि विकास हर जगह हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है, केवल भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ की विकास के कारण से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हर देश जो है अपने स्तर पे अपनी नीतियों को बनाता है पर्यावरण के लिए जो नियम उसके हैं, जिस प्रकार से कि अभी आप मध्य प्रदेश में आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी की बात कर रहे हैं खनन के लिए, तो जो भी जब भी लाइसेंसिंग होती है तो उसके पहले जो है वो एक सेट प्रोसीजर है जो कि गवर्नमेंट फॉलो करने के लिए हर कंपनी को कहती है। अब वो कंपनी जो भी वहां पर खनन करने जा रही है तो वो किस प्रकार से उसको एग्जीक्यूट करती है, किस प्रकार से पर्यावरण को जितना वो नुकसान पहुंचाएगी उसकी भरपाई के लिए क्या उसके पास प्लानिंग है, किस प्रकार से उसे जो है और चीजों को रिस्टोर करने के लिए एनवायरमेंट को वो क्या अपने अपने स्तर पे क्या करेगी, ये सब कमिटमेंट्स उनकी ओर से होते हैं। लेकिन वो बाद में एक्चुअली होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर
पहले कमिटमेंट तो करता है लेकिन बाद में उसको पूरा नहीं करता है। वो अपने काम तो कर लेगा, मतलब जो है अगर मान लीजिए कोई कंपनी कोयला निकालने के लिए कुछ बड़े इलाके पे अपना खनन कर रही है, या इवन मैं कहूँ बहुत छोटे स्तर की बात करें अगर बालू खनन की भी बात करें, तो इस स्तर पे भी जो है जितना खनन होता है उसका भरपाई जो है जो एनवायरमेंट को जो डैमेज होता है उसका नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है कि जो कमर्शियल लेवल पे काम हुआ और उसको करने के बाद में हमने जो जो कुछ उससे निकालना था उसे निकाल लिया, लेकिन जो है जो हमें करना चाहिए था, जो हमारी जिम्मेदारी थी, चाहे वो पेड़ लगाने की बात हो या वहां फिलिंग की बात हो या और कोई भी ऐसी चीजें हो, वो हमने नहीं किया, तो वो उससे पीछे हटता। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इस प्रकार की चीजें हैं उनको एक्सक्लूड भी कराए। वो दूसरी बात जहां तक बात ये है कि एनवायरमेंट को किस प्रकार से हम सब अपने स्तर पर जो है बचाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, तो वो बहुत इंडिविजुअलाइज होगा, लेकिन इंडिविजुअलाइज लेवल पे भी अगर चीजों को हम कहते हैं कि साहब हम आसपास में अपने जो है ग्रीन एनवायरमेंट के लिए कमिटेड हैं और हम पौधों को लगाने में मदद करेंगे सरकार की, तो वो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर व्यक्तिगत स्तर पे भी हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो। और सरकार की जो पॉलिसीज का मैटर है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कहीं ना कहीं जब आप अपने शहर का प्लानिंग करते हैं तो प्लान जब और मल्टी हर 10 साल में एक बार प्लानिंग होती है और उसको जो है हम शहर के एक्सपेंशन के हिसाब से चीजों को डेवलप करने के लिए और एरिया बढ़ाते हैं तो उसकी प्लानिंग भी की जाती है, तो उसमें एनवायरमेंट का भी जो एक हिस्सा है, जो एनवायरमेंट के लिए हमारा कमिटमेंट है, वो भी उसमें मर्ज होना चाहिए और उसके लिए सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम शहरीकरण बढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार से जो वन क्षेत्र कम हो रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे, और वो जो चीजें हैं जो कि हेल्थ हैजार्ड हैं, जो कि हमारे लिए आने वाले समय के लिए भी और दुश्वारियां खड़ी करेंगी, उनसे कैसे बचेंगे। जैसे अभी अगर देख एक बहुत मोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, हमारे शहरों में जितने भी वाटर रिसोर्सेज थे, जैसे पॉन्ड थे, तालाब थे, या फिर और छोटे छोटे गांवों के आसपास में आपने देखा होगा क्लस्टर्स हैं जहाँ के पानी आमतौर पर इकट्ठा होता था, अब वो धीरे धीरे जैसे शहरीकरण हो रहा है वो सारे तालाब और झील वो सब खत्म होते जा रहे हैं, और उनके कारण से उसका फर्क उसका असर ये है कि जो जो हमारा जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे चला जा रहा है। और आज के डेट में भी अगर मैंने लखनऊ शहर की बात करें तो 200 से 250 के आसपास जाकर के जो है आपको पानी का पानी मिलता है, करीब 210-215 के आसपास में हमारे जिन इलाकों में हम रह रहे हैं वहाँ ये वाटर लेवल ऊंचा है। तो अगर आप अपने जो नगर निगम सीमा के क्षेत्र में जो भी तालाब थे पहले उनको भरा जा रहा है लगातार और उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो नगर निगम को उठानी होगी ये तालाब खत्म ना हो, और इस हमारे उनके क्षेत्र में जितने भी इस प्रकार के रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए प्रयास सरकारी स्तर पे उन्हें ही करना होगा जो एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो नगर निगम है या और दूसरी जो एजेंसियां हैं जो कि इसको चेक करती हैं, उनको देखना होगा। तो ये एक हमारे नॉर्मल डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए कि हम पर्यावरण को भी कैसे डेवलपमेंट के साथ लिंक करके बैलेंस करते हैं और बचाते हुए चलते हैं, जिससे आने वाले कल में जो समस्याएं हमारे पास स्वच्छ हवा पानी और इन सब चीजों की बनेंगी वो कैसे मीट आउट होंगी, हम किस प्रकार से इसको बचा पाएंगे आने वाले समय के लिए। बिल्कुल शालिनी जी, जिस तरह से लगातार कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन के लिए लोग भागते हुए नजर आए, ऑक्सीजन प्लांट हालांकि अब बनवा दिए गए हैं, तमाम ऑक्सीजन प्लांट बनवाने की बातें कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए लोग भागते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं कितना बड़ा छेड़छाड़ है ये पर्यावरण के साथ कि अब हमें ऑक्सीजन के लिए भी भागना पड़ रहा है, और किस तरह से इसकी कमी को पूरी किया जा सके ताकि कभी हमें इस तरह की और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, जो पहले यहाँ बात चल रही है कि इंडस्ट्री आई और उन्होंने पर्यावरण को और प्रदूषित किया, मैं ये चीज पहले एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे सबसे अधिक प्रताड़ित और सबसे ज्यादा मखौल उड़ाया गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का, और ये कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फाइल क्लियर नहीं करती है और इंडस्ट्री स्थापित करने में बड़ी देर लगती है, इसीलिए अब आपको एक मिनट भी देर नहीं लगती पर्यावरण वालों से ओके करने में। ये माना जाएगा कि आप अगर रास्ता रोक रहे हैं, अगर किसी इंडस्ट्री वाले ने कहा है कि मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा तो पर्यावरण वाला डिपार्टमेंट अगर फाइल रोकेगा तो माना जाएगा कि वो इंडस्ट्री को स्थापित नहीं होने दे रहा है। एनवायरनमेंट का 90% प्रदूषण जो है वो इंडस्ट्री की वजह से होता है,
और इंडस्ट्री वाले अपना गंदा पानी, अपना डीजल, अपना यूज किया हुआ ऑयल, अपना सारा कचरा, अपनी सारी धुआं, वो सारा इसी एनवायरनमेंट में फेंक रहे होते हैं, जिनमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी इसी चीज में फेंक रही है। और इसका पूरी नदियां हमारी पॉल्यूट हो गई हैं, शहरों में, लखनऊ जैसे शहर में हर एक किलोमीटर पे कचरे का ढेर लगा हुआ है। कब उसमें गाड़ी आती है, कब वो उठा के ले जाती है और उठा के कहाँ रखती है, हमने तो कहीं देखा नहीं। ये भी हमें पूछा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ कंपोस्ट खाद बनाने के कितनी कारखाने लगाए गए हैं। पिछले कार्यक्रम में भी ये बात हुई थी और मैं ये बात आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि ऑक्सीजन का इतना बड़ा संकट हो गया था। देखिए, ये जो ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में होती है और जो हम लोगों को लगाई जाती है, उसमें फर्क है। उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाना चाहिए। एक कार्यक्रम आप लोग इस बार विषय में भी जरूर कीजिए कि कोरोना बात का ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, कि कितने प्लांट लगाए गए और क्या हम लोगों के अस्पतालों में क्या अपग्रेडेशन हुआ, कि क्या हम अन्य महामारी के लिए तैयार हैं, क्या हम किसी भी संकट के लिए तैयार हैं, इसके लिए हमें जरूर एक ना एक कार्यक्रम करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय की कमी होने के कारण आनंद, डॉक्टर आनंद शर्मा जी, मैं आपसे एक फाइनल कॉमेंट चाहूंगी। हाउ कैन वी सेव आवर अर्थ, बिकॉज आज के वक्त में सबसे बड़ी परेशानी है, तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की दिक्कतें पर्यावरण की वजह से हम झेल रहे हैं। हमें 5-star होटल, लग्जरी गाड़ी और डेवलपमेंट तो चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमें अपने 5-star में जिम तो जाना है, बट कहीं ना कहीं हम नेचुरल चीजों को भूल रहे हैं, हम अपनी नेचुरैलिटी को भूल रहे हैं। तो किस तरह से इसको बैलेंस किया कर सकते हैं हम? सबसे जरूरी है कि हम अपने आप में सुधार लाएं। जी, और जब तक दिमागी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदल सकता है। तो यानी कि लाइफस्टाइल बदलना है तो हमें जीरो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जाना है, एक। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है, प्रदूषण करना बंद करें। नदी और हवा को अपने आप को साफ करना आता है। हम कहते हैं ना प्रदूषण को रोकेंगे, नहीं, आप प्रदूषण करना बंद कर दीजिए। हवा को और पानी, नदियों को, सबको अपने साफ करना आता है। ठीक ऐसे ही पेड़ काटना बंद करिए आप, प्रकृति को पेड़ लगाना आता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये थोड़ी सी समझ हमें आ जाए। और दूसरी बात, हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, आज की डेट में, पहले लोग कहते थे आज से 40-50 साल पहले कि भारत में लोग भूख से मरते हैं, आज लोग खा के मर रहे हैं। जितनी भी बीमारियां जो आ रही है वो लाइफ स्टाइल की आ रही है, ज्यादा खा रहे हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारा जो एक्सेस जो खा रहे हैं उसके सारे की समस्या है। तो सबसे बड़ी बात यही है, जब तक हम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक कुछ बदलाव नहीं, लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी पड़ेंगी आपको जी। और हम तो एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्पिरिचुअल, मतलब की तरह गुरु की तरह है इंडिया जी। तो हम पहले अपने यहाँ तो इम्प्लीमेंट कर लें इसको, और यदि हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम पूरे वर्ल्ड के लिए एक लीडर साबित होंगे। और बहुत स्कोप है, और हमारे पास बहुत प्रतिभा है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, मगर हाँ कहीं मिसिंग है तो विल पावर। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आप सभी का धन्यवाद। जिस तरह से प्रकृति को लेकर हम सभी परेशान है, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के कई तरह की, तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह के नियम कायदों को फॉलो कर रहे हैं, तमाम तरह के मिनरल वाटर्स और हाई टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए रोज़गार और इंडस्ट्री भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए हमारा स्वास्थ्य ज़रूरी है। तो इस दिन पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सब भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आज की हमारी चर्चा में इतना ही, धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।